कैसे हैं बच्चों? आज हम आपको ब्रिलियंट चैप्टर जो हमने पढ़ा दिया था उसके आगे पढ़ाने जा रहे हैं। आज सबसे पहली जो बात हम करने जा रहे हैं वो झिल्लियों पर करने जा रहे हैं। झिल्ली क्या होती है? झिल्लियां क्या होती है? झिल्ली देखो, एक होती है हमारे पास पारगम झिल्ली। पारगम झिल्ली कौन सी झिल्ली? पारगम झिल्ली। और एक होती है हमारी अर्ध पारगम झिल्ली। अर्ध पारगम झिल्ली, अर्ध पारगम झिल्ली। और एक होती है हमारी अपारगम झिल्ली। अपारगम झिल्ली ये झिल्ली होगी। एक होती है हमारी पारगम झिल्ली और एक होती है अपारगम झिल्ली और एक होती है अर्ध पारगम झिल्ली। अब झिल्लियों की बात चल रही है तो झिल्लियां कैसे कैसे होती हैं, क्या क्या इनकी विशेषताएं हैं, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। देखो, इन दोनों की बातें चलेंगी, इन सभी झिल्लियों की, विलय और विलायक को लेकर। विलय और विलायक, विलय और विलायक। पहले तो बात कर रहे हैं पारगम झिल्ली की। पारगम झिल्ली क्या होती है? पारगम झिल्ली तो ऐसी झिल्लियां, पारगम झिल्लियां कहलाती हैं जिनमें विलय और विलायक, जिनमें विलय और विलायक। ऐसी झिल्लियां पारगम झिल्लियां कहलाती हैं जिनमें विलय और विलायक दोनों के कण गमन कर जाते हैं, दोनों के कण गमन कर जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? हम पारगम झिल्ली कहते हैं। अब दूसरी बात आती है अर्ध पारगम झिल्ली की। अर्ध पारगम झिल्ली, तो अर्ध पारगम झिल्लियां कौन सी होती हैं? वे झिल्लियां अर्ध पारगम झिल्लियां कहलाती हैं जिनमें सिर्फ विलायक के कण गमन करते हैं। किसके कण गमन करते हैं? विलायक के कण गमन कर जाते हैं परंतु विलय के कण गमन नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी झिल्लियों को क्या कहते हैं? हम अर्ध पारगम झिल्लियां कहते हैं। तो क्या परिभाषा हो जाएगी? वे झिल्लियां अर्ध पारगम झिल्लियां कहलाती हैं जिनमें सिर्फ विलायक के कण गमन कर जाते हैं परंतु विलय के कण गमन नहीं करते हैं। तो वो हमारी कौन सी झिल्ली हो जाएगी? अर्ध पारगम। अब बात आती है अपारगम झिल्ली। कौन सी झिल्ली? अपारगम झिल्ली, अपारगम झिल्ली। कौन सी झिल्ली हो गई? अपारगम झिल्ली। अब अपारगम झिल्लियां कौन कौन सी होती है? ऐसी झिल्लियां अपारगम झिल्लियां कहलाती हैं जिनमें ना तो विलय के कण गमन करते हैं ना विलायक के कण गमन करते हैं। तो वो हमारी कौन सी झिल्ली हो जाएगी? अपारगम झिल्लियां हो जाएगी। तो आपको तीन प्रकार की हमने झिल्लियां पढ़ाई, पारगम झिल्ली, अपारगम झिल्ली और अर्धपारगम झिल्ली। तो इसमें विलायक, किसके विलायक के कण, सिर्फ विलायक के कण गमन, जिसमें पारगम झिल्ली में विलय और विलायक दोनों के कण गमन करते हैं और अर्धपारगम में विलायक के कण गमन करते हैं और अपारगम झिल्ली में किसी के कण गमन नहीं करते हैं। ये क्यों पढ़ाई? क्योंकि हमें एक टॉपिक पढ़ाना है ब्रिलियंट चैप्टर में, परासरण। क्या पढ़ाना है? परासरण। यह टॉपिक हमें पढ़ना है। परासरण क्या? तो परासरण क्रिया के लिए हम आपको समझा रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ये हमने अर्धपारगम झिल्ली लगा दी, SPM, सेमी परमैनेंस, ठीक है। अर्धपारगम झिल्ली लगी हुई है और ये इसे लिखेंगे अर्ध पारगम झिल्ली, अर्ध पारगम झिल्ली। तो अर्ध पारगम झिल्ली लगी हुई है, इनके बीच में परासर क्रिया की बात चल रही है, ऑस्मोसिस जिसे कहते हैं, ऑस्मोसिस, परासर की बात चल रही है। तो परासर किसे कहते हैं? परासर वह क्रिया है
जिसमें विलायक के कण कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर अर्धपारगम झिल्ली में से स्वतः गमन कर जाते हैं। यानी कि किसमें से जाते हैं? अर्धपारगम झिल्ली में से। विलायक के कण कम सांद्रता से कहां पहुंचते हैं? अधिक सांद्रता की ओर। तो इस घटना को हम क्या कहते हैं? परासरण कहते हैं। क्या कहते हैं? परासरण कहते हैं। नहीं समझ में आएगा फिर समझ लीजिएगा। परासरण वह प्रक्रिया कहलाती है, परासरण वह क्रिया कहलाती है जिसमें विलायक के कण कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर अर्धपारगम झिल्ली में से विस्तृत हो जाते हैं या मतलब गमन कर जाते हैं। तो उसे क्या कहेंगे हम? परासरण कहेंगे। क्या कहेंगे? परासरण। परासरण क्रिया में अर्धपारगम झिल्ली की आवश्यकता होती है, ठीक। और विसरण की अगर बात कर दें तो इसका उल्टा कर देते हैं, मगर उल्टा कर तो देते हैं विसरण का। विसरण अगर आ जाए हमारे पास, विसरण की कहानी आ जाए, विसरण का है, विसरण क्या है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं होती है। विसरण में इसकी कोई आवश्यकता नहीं होती है, उसमें विलायक के कण जो होते हैं वो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करते हैं, मगर विलायक इसमें विसरण में हमारे में इसकी जरूरत नहीं होती है, अर्धपारगम झिल्ली की कोई आवश्यकता नहीं होती है। अब जैसे हम कहें आपसे परासरण क्रिया में जैसे क्वेश्चन आता है, बहुत सारा इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बोर्ड एग्जाम में बहुत बार कभी कभी पूछा जाता था कि क्या कारण है छिलका उतरे हुए अंडे को नमक के संतृप्त विलयन में डालने पर अंडा सिकुड़ जाता है और पानी में डालने पर अंडा फूल जाता है। तो इसी पर आधारित है वो क्रिया, ठीक। तो परासरण आपको समझ में आ जाना चाहिए कि परासरण है क्या, ठीक। धन्यवाद।